लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। बस एक बार मुझे अपनी लैब में पहुंचने दे, फिर मैं तुझे देखता हूं, फिर तुझे देखता हूं शक्तिमान। आ, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? कोई काट रहा है? ओह गॉड, ये चींटियां। Oh no! 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 ये चींटियां पूरे शरीर में फैल गई हैं। शक्तिमान, शक्तिमान, सब तेरी वजह से, सब तेरी वजह से मेरी ये हालत हो रही है। आज यहाँ इस जंगल में इतनी रात को ये चींटियों ने परेशान कर रखा है। गॉड, 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 एक दिन तुझे भी इसी तरह फूंक दूंगा मैं। शक्तिमान, याद रखना। बस अब इंतजार है कोपिंड के इन टुकड़ों के जिंदा हो जाने का। जिंदा होते ही ऐसा तमाशा दिखाएंगे शक्तिमान जो तूने कभी सोचा भी नहीं होगा।
देवी जी, आप काम के समय हमें इतने महंगे जलपान ग्रह में क्यों लेकर आई हैं? कहीं आपका इरादा हमारे धन से भोजन करने का तो नहीं है? यदि ऐसा है तो सावधान देवी जी, आज तो हमारे पास धन का सर्वथा अभाव है। हाँ देखिए, जेब की कसम। खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, क्या चाहिए मैम साहब? दो कॉफी लेकर आना। दो कॉफी? परिचारक महोदय, ये भुगतान राशि पत्र देवी जी के नाम का बना कर ले आना। ओ यार, नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? जब बनता नहीं तो कैसे मिलेगा? भुगतान राशि पत्र नहीं बनते यहाँ पर, तब तो हमें खाना भी मुफ्त मिलेगा यहाँ। ठीक है, हम कॉफी के साथ साथ खाना भी खा लेंगे देवी। अब हमें पता चला कि आप यहाँ क्यों आती है रोज रोज। देखो, तुम बिल लाकर मुझे देना। जी। बिल लाना? तो मुफ्त में भोजन नहीं मिलता यहाँ पर। हम तो समझे थे कि आज मुफ्त में भोजन का प्रबंध हो जाएगा। खैर कोई बात नहीं, कॉफी तो मुफ्त में मिलती ही होगी यहाँ। वैसे तुम एक्टिंग बड़ी अच्छी कर लेते हो। जी, एक्टिंग अच्छी करता हूँ ना। हाँ देवी जी, सभी लोग यही कहते हैं कि एक्टिंग हम बहुत अच्छी करते हैं। अपने गांव में रामलीला में तो हम सारे लोग एक साथ कर लिया करते थे। राम का रोल भी मैं करता था, रावण का रोल भी मैं करता था, हनुमान का रोल भी मैं करता था। अरे मेरे पीछे तो सभी लोग पड़े रहते थे कि सीता का रोल भी मैं कर लूं। अरे सीता का रोल मैं कैसे कर सकता था? बातें। अभी भी तो तुम दो दो भूमिकाएं एक साथ निभा रहे हो। क्यों गंगाधर जी, सच है ना? दो दो भूमिकाएं? हाँ, एक गंगाधर की और एक शक्तिमान की, डबल पर्सनालिटी। मैं आपका मतलब समझा नहीं। मेरा मतलब तुम अच्छी तरह से समझते हो। नहीं देवी जी, मैं सचमुच नहीं समझा आपका मतलब। गंगाधर प्लीज बनो मत, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम ही शक्तिमान हो। यानी आप भी मान गए कि मैं ही शक्तिमान हूँ? मैं तो सबसे यही कहता रहता हूँ कि मैं ही शक्तिमान हूँ, मैं ही शक्तिमान हूँ। देवी जी से जाकर कहो कि वो मान जाए मेरी बात को। आज आप भी मान गई ना? मैं तो हमेशा से यही कहता हूँ कि मैं ही शक्तिमान हूँ। देखो मेरी शक्ल कितनी मिलती है, मुखाकृति कितनी मिलती है, लेफ्ट प्रोफाइल देखो, राइट प्रोफाइल देखो, और देखिए हमारे हमारे हाथ भी उनसे मिलते हैं। देखिए देखिए। रियली मैं ही तुम्हें पहचान नहीं पाई शक्तिमान, लेकिन तुम देखिए देवी जी, कहीं आप हमारी बातों को सीरियसली तो नहीं ले रही ना? देखिए देवी जी, हम तो मजाक कर रहे थे। हम तो मजाक करते रहते हैं जिंदगी में हमेशा। हम कहां से शक्तिमान हो? तुम मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि अब मजाक कर रहे हो झूठ बोलकर। मैं जानती हूँ कि तुम ही शक्तिमान हो। अरे देवी जी, आप क्या बात कर रही हैं? अरे कहां कहां राजा भोज, मेरा मतलब है कहां राजा भोज और कहां गंगू तेली, कहां वो शक्तिमान और कहां हम? हम कहां से शक्तिमान हो सकते हैं देवी जी? आपको कोई गलतफहमी हुई देवी जी आपको? नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बल्कि मेरी गलतफहमी उसी दिन दूर हो गई थी जब तुम बांगड़ू घाटी पहुंचे थे। शक्तिमान ने तुम्हें वहां पहुंचाया था, ये तुम्हारा बहाना था, क्योंकि वास्तव में तुम ही शक्तिमान हो। I'm sorry, अनजाने में मैंने ना जाने तुम्हें क्या क्या कहा, तुम्हारा कितना इंसल्ट किया, लेकिन मैं कैसे जान सकती थी कि तुम ही शक्तिमान हो? देखिए देवी जी, हमने कोई बहाना नहीं बनाया है और ना ही आपने हमारा कोई अपमान किया है, क्योंकि हम शक्तिमान हैं ही नहीं। कहीं आप हमें शक्तिमान कहकर हमसे शत्रुता तो नहीं निकाल रही देवी जी? गंगाधर, हम सब जानते हैं देवी जी, हम सब जानते हैं देवी जी, आप ये सिद्ध करना चाहती हैं कि हम ही शक्तिमान हैं, ताकि शक्तिमान के सारे शत्रु हमारे प्राणों के शत्रु हो जाएं और आपका ये शत्रु इस संसार से सदा सदा के लिए ऊपर उड़ जाए। हमें ज्ञात नहीं था कि आपके मन में हमारे प्रति इतना द्वेष। देवी जी, यदि आपको हमारे कार्य से संतुष्टि नहीं मिली तो आप हमसे कह देती ना, कह देते आप, हम इस कार्यालय को सदा सदा के लिए छोड़कर चले जाते। हमारा तो दुर्भाग्य ही खराब है देवी जी, हमें आपसे इस तरह की आशा नहीं थी देवी जी।
क्यों हमारे प्राणों को संकट में डाल रही है देवी जी? क्यों डाल रही हैं आप? प्लीज स्टॉप इट, स्टॉप इट। अब इन सब बातों से कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें पहचान चुकी हूँ शक्तिमान, बल्कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए इज्जत और भी बढ़ चुकी है, क्योंकि तुम हमेशा गंगाधर बनकर मेरे साथ रहे, एक साये की तरह, और मैंने तुम्हें कभी पहचाना ही नहीं। परंतु तुम शक्तिमान है ही नहीं तो पहचानेंगी कैसे? झूठ, बिल्कुल झूठ कह रहे हो तुम। इस झूठ की क्या जरूरत है? मैं तुमसे प्रेम करती हूँ शक्तिमान, क्या मुझ पर इतना भी विश्वास नहीं? देखो, मैं ये बात किसी से नहीं कहूंगी, ये राज एक राज रहेगा, आई प्रॉमिस। आपको क्या हो गया है देवी जी? लगता है शक्तिमान के प्रेम ने आपको पागल बना दिया है। हाँ, मैं पागल हो गई हूँ, क्योंकि पागलपन ही प्यार का दूसरा नाम है, और ये पागलपन सिर्फ मेरे अंदर ही नहीं, तुम्हारे अंदर भी है शक्तिमान। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या उस दिन जब मेरा फोन कट गया था तुम डर कर शक्तिमान बनकर बांगड़ू घाटी आते? जबकि उस दिन मेरी जान को कोई खतरा नहीं था, उस दिन सिर्फ मेरा प्यार तुम्हें खींच लाया था शक्तिमान। तुम मानो या ना मानो, एक बात साफ जाहिर है कि सिर्फ शक्तिमान ही गीता का प्यार नहीं, बल्कि गीता भी शक्तिमान का प्यार है। दीवाना है शक्तिमान गीता का, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो क्या हर वक्त तुम मुझे खतरों से बचाने आते? क्या हर वक्त गंगाधर बनकर मेरे साथ रहते? हो ना हो, एक दिन तुम्हें ये सब मेरे सामने मानना ही पड़ेगा कि तुम ही शक्तिमान हो। अरे ये तो हमारा घर आ गया। घर पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हम चलते। अरे आप क्यों उतर गई? आपका घर नहीं आया है, आप अपने घर जाइए। अपने घर ही तो जा रही हूँ। अरे अरे ये तो हमारा घर है, आपका घर नहीं है तो हमारा घर है। हाँ गंगाधर, हमारा घर, मैं वही तो जा रही हूँ। अरे रुकिए देवी जी, हम हमारे घर की बात नहीं कर रहे, हम आपके घर की बात कर रहे हैं, जहाँ पर आपकी माता श्री रहती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, वो घर? हाँ। माँ का घर तो लड़कियों के लिए पराया होता है गंगाधर जी, उसका असली घर तो पति का घर है, जहाँ पे आदरणीय सासू माँ रहती है। मुझे अपने सासू माँ से मिलना है गंगाधर जी। आप फिर नाटक करने लगी? नाटक? तुम्हें मेरा प्यार नाटक लग रहा है? हाँ हाँ, एकदम नौटंकी नौटंकी। मैं अभी सासू माँ को बताती हूँ। अरे अरे गीता बेटी, माँ जी क्या मैं नौटंकी वाली लगती हूँ? नहीं तो, किसने कहा? आपके लाडले ने। अरे वो तो पागल है। क्यों रे, तूने क्यों कहा ऐसा? अब वो तो मुझे बाबा बाबा क्या कर रहा है? चल माफी मांग, माफी मांग। मांगता है माफी या कान पकड़ो तेरे? ठीक है हम माफी मांगते हैं। क्या? मैंने ठीक से सुना नहीं क्या? हम माफी मांगते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, इस बार माफ कर देती हूँ। चलो, खड़े खड़े यही बातें करोगे या अंदर भी चलोगे? माँ जी जब तक आप है ना, मुझे इस घर में आने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए। माँ जी मैं तो उसी से शादी कर सकती हूँ ना, जो मुझे पसंद हो। बिल्कुल गीता, तो फिर तू अपनी माँ को अपनी पसंद के बारे में बताती क्यों नहीं? ये काम आप ही कर सकती हैं माँ जी। मेरे कहने का मतलब है कि आप किसी दिन मेरे घर आइए ना, मैं आपको अपने मन पसंद लड़की के बारे में सब कुछ बताऊंगी, फिर आप मेरी माँ को बताना और मेरा रिश्ता पक्का कर देना। ठीक है बेटी। आप सचमुच बहुत अच्छी है माँ जी, मैं बहुत जल्द आपको अपने घर ले जाऊंगी, वरना अगर मेरी माँ ने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया तो मैं क्या करूंगी? ऐसा कुछ नहीं होगा बेटी, तुझे तेरी पसंद का ही वर मिलेगा। सच माँ जी? अच्छा माँ जी मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। अरे ये क्या कर रही है? गंगाधर मुझे दरवाजे तक नहीं छोड़ोगे? नहीं, हम आपको यहाँ से दरवाजा दिखा देते हैं, वो देखिए वो सामने दरवाजा है, आप चलकर वहाँ पर जाइए, चिटकने को नीचे कीजिए और हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल जाइए। ये क्या बोल रहा है गंगाधर? जा, जाकर इसे छोड़ के आ। सुना नहीं तूने? जाओ इसे छोड़ के आओ। ठीक है आइए। अच्छा माँ जी।
अच्छा बेटी जाइए, जब देखो शादी शादी। गंगाधर जी। फिर वही जी। हाँ जी। ये लाइट भी चली गई है, गर्मी कितनी हो रही है, अब तू खाना कैसे खाएगा? मैं आ गई हूँ ना माँ जी, मैं पंखा झेल दूंगी। लेकिन इसको कौन झेलेगा, मैं हाथों क्या था। चल अब तू भी खाना खाने बैठ जा इसके साथ। हाँ माँ जी मैं जरूर खाऊंगी, इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। अब मैं आपके हाथ का बना हुआ खाना नहीं खाऊंगी तो मुझे पता कैसे चलेगा आप क्या बनाती हैं, आपको कैसा खाना पसंद है ना? क्यों आप हमें दावत देने वाली है क्या? अगर माँ जी कहेंगी तो मैं दावत भी दूंगी, लेकिन मैं इसलिए जानना चाहती हूँ कि किसी दिन अगर मुझे माँ जी के लिए खाना बनाना पड़े तो मैं कैसे बनाऊंगी माँ जी, है ना? तू चिंता मत कर, मैं तुझे धीरे धीरे सब सिखा दूंगी। अच्छा। चल बैठ जा खाना खाने के लिए। नहीं माँ जी, खाना तो मैं आप ही के साथ खाऊंगी, पहले मैं इन्हें खिला दूं। अब देख क्या रहे हो, बैठो खाना शुरू करो। हाँ हाँ बैठेंगे, हमारा ही घर है और हमें ही ऑर्डर दे रही है। जरूरी है, मेरा कर्तव्य है। मतलब? अरे बाबा तुम्हें गर्मी ना लगे इसलिए झल रही हूँ। अरे झलने दे रे गंगाधर, तुम्हें मालूम है हमारे समय तो गांव में बिजली पंखा कुछ भी नहीं था, और जब तुम्हारे पिताजी खाना खाने बैठते थे तब मैं भी उनके लिए पंखा झला करती थी। अच्छा गीता तू बैठ, मैं और रोटियां सेक कर आती हूँ। जी माँ जी। जाइए जाइए मदद कीजिए, माता जी की मदद कीजिए। कोई जरूरत नहीं है, उसे वहीं बैठने दो। क्या मुसीबत है? क्यों? अच्छी पत्नी के सारे गुण है ना मुझमें, जब मैं खाना खाऊंगी ना तो तुम भी इसी तरह पंखा झलना। हाँ बिल्कुल नहीं, देख लूंगी, माँ के सामने तुमसे पंखा झलवा कर रहूंगी मैं। माँ को रोटी बनाकर आने तो दो। लीजिए हमारा खाना हो गया। सुनिए। कहिए। लाइए इसे मैं रख देती हूँ। नहीं नहीं अपना हाथ जगन्नाथ, हम अपनी थाली खुद रखते हैं और खुद धोते हैं इसे। चल बेटे अब तू भी खाना खा ले। लाइए माची। अब आराम से बैठ के खा। हाँ। इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। अब तू चापलूसी मत कर। कितनी गर्मी है ना माँ जी। हाँ बेटी। अब आप बैठे बैठे क्या देख रहे हो, यहाँ आकर पंखा चलो ना। हम? आप हमारे घर में आकर हमारा ही खाना खाकर हमें ही आदेश दे रही हैं? माँ जी कितनी गर्मी लग रही है सच में। अरे गंगाधर झल देना पंखा। अरे पर हम कैसे झल सकते हैं? क्यों क्यों नहीं झलेगा? नहीं हम नहीं झलेंगे। रहने दीजिए माँ जी, वो मर्द है ना, उसे शर्म आती होगी। इसमें शर्म का है कि गंगाधर तेरे पिताजी के लिए खाली मैं ही पंखा नहीं झलती थी, जब मैं खाना खाने बैठती थी तब वो भी मेरे लिए पंखा झला करते थे। और आजकल जमाना भी बदल गया है, स्त्री पुरुषों में कोई अंतर नहीं रहा। चल झल दे पंखा तू भी। नहीं नहीं हम नहीं झल सकते। गंगाधर उठता है या नहीं? ठीक है